चालू करा है भाई साहब, बहुत पंप कर रही है, कर रही पूरा। इधर आ जाए, इधर 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 आ जाए, इधर इधर गाड़ी खड़ी, गाड़ी इधर एक पार्ट दो, गाड़ी को जैसा कि यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर आज सुबह से ही मतदान जारी थी, उसी क्रम में हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के हंडिया नगर पंचायत क्षेत्र में। आपको बता दें कि हंडिया नगर पंचायत क्षेत्र में टोटल 13 वार्डों में जो है वोटिंग हुई है, उसमें ये जो अहम वार्ड है वार्ड नंबर 5 जिसमें पिंक महिला बूथ बनाया गया था, उसमें सुबह ही जो जो प्रत्याशी थे उनके बीच में गहमागहमी देखने को मिली, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंच कर मोर्चा संभाला और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पे तत्परता दिखाते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसे और भी चौकन्ना कर दिया, जिसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। अगर बात की जाए अगर अन्य वार्डों की तो वहाँ भी प्रशासन ने अपनी पैनी नज़र रखी हुई थी। सुबह से ही एसीपी हंडिया सुधीर कुमार, उप जिलाधिकारी हंडिया प्रेम नारायण और एसएचओ हंडिया धर्मेंद्र दुबे लगातार क्षेत्र में निगाह कसे हुए थे। जो भी संदिग्ध लोग थे उनकी लगातार चेकिंग की जा रही थी। वोटिंग के दौरान भी लोगों को पूरी तरीके से तलाशी लेने के बाद पोलिंग बूथ के अंदर जाने दिया जा रहा था कि उनके पास मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक कोई सामग्री तो नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार यहां पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को अपनी जीत तोड़ कोशिश करती रही, जिसके बाद अब पूरी तरीके से यहां पे चुनाव संपन्न हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। कमलेश गुप्ता, 1224, हंडिया, प्रयागराज।